ग्रैंड सागा की कहानी 1986 एडी में हुरुंगवैगर की बैटल के दौरान शुरू होती है। यहाँ हम सबसे पहले थॉर्स को देखते हैं, जो फेमस जोन्स विकिंग लीडर और लीजेंडरी वॉरियर हैं। अब तक के सबसे महान योद्धाओं में से एक होने के बावजूद वो बैटल के दौरान पानी में गिरने के बाद जोन्स विकिंग्स को छोड़ने का फैसला करता है, क्योंकि वो मार काट के जिंदगी से थक चुका होता है। कुछ महीने बाद लड़ाई और वायलेंस की लाइफ छोड़ने का फैसला करने के बाद वो अपनी पत्नी हेल्गा और उनकी न्यूबोर्न बेटी यलवा के साथ आइसलैंड के लिए रवाना होते हैं। सन 996 एडी थॉर्स और हेल्गा अब खुशी खुशी एक साथ आइसलैंड में रह रहे हैं। उनका दूसरा बच्चा थॉरफिन है। उसी वर्ष डेनमार्क के प्रिंस कैन्यूट का भी जन्म हुआ है, पर उसकी पूरी देखभाल किन के बजाय केयरटेकर रागनार करता है। उसके चार साल बाद सन 1000 एडी में लीफ ब्रिक्सन ग्रीनलैंड की वेस्ट में एक नया मिस्टीरियस आइलैंड खोजता है और उसका नाम विनलैंड रखता है। लीफ ने इस विनलैंड को एक न्यू वर्ल्ड के रूप में डिस्क्राइब किया, जहां फल उगते हैं और घास के मैदान जमीन को कवर करते हैं। इसके बाद वो थोर के गांव आता है और शाम को थॉरफिन और उसके दोस्तों को अपनी यात्रा के बारे में बताता है। डेनलॉ इंग्लैंड का वो हिस्सा है जिसमें डेन के कानून एंग्लो सैक्सन के कानूनों पर हावी होते हैं। नवंबर 1200 एडी के दौरान इंग्लिश लोग डेन्स के विलेज के सभी लोगों को मार देते हैं, जिनमें से एक डेनिश किंग स्वेन की बहन प्रिंसेस गुनहिल्डे भी रहती है, जिसकी वजह से किंग इंग्लैंड के खिलाफ वार शुरू कर देता है। अगली सुबह जब लीफ थॉरफिन को बता रहा होता है कि वह अपने माल का व्यापार करने के लिए नॉर्वे जाने की योजना बना रहा है, तभी हम एक ह्यूज वॉरशिप आइलैंड की तरफ आते हुए देखते हैं। इस वॉरशिप को फ्लोकी कमांड कर रहा था। फ्लोकी जॉन्स वाइकिंग्स का मेंबर और थॉर्स का पुराना साथी है। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए थॉर को अपनी टीम में रिक्रूट करने के हिसाब से आता है। थॉर्स मना करता है, लेकिन विलेजर्स को होस्टेज होने से बचाने के लिए मजबूरी में जाने के लिए मान जाता है। थॉरफिन और बाकी के बच्चे वॉर में जाने के लिए काफी खुश होते हैं, पर वे इसके कॉन्सिक्वेंसेस से वाकिफ नहीं है। उसी दिन दोपहर के दौरान थॉरफिन और गांव के अन्य बच्चे युद्ध खेल रहे होते हैं और थॉरफिन हार रहा होता है। हालांकि थॉरफिन चिड़खोर बच्चा है और वह हारने के बाद दूसरे बच्चों को मारना जारी रखता है, और जब वह देखता है कि बड़े बच्चे असली वार के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तो उसे जलन हो जाती है। गुस्से में वह घर जाता है और एक हथियार खोजने की कोशिश करता है, ताकि वह खुद को वॉर के लिए भी तैयार कर सके। थॉरफिन को खोजते समय एक बहुत ही मजबूत दिखने वाला बॉक्स मिलता है और उसके अंदर देखने पर उसे थॉर का पुराना सामान मिलता है, जिसमें उसका एक नाइफ भी शामिल है। नाइफ को देखते ही थॉरफिन उसे उठा लेता है। वैसे ही थॉर उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे सवाल करता है कि वह नाइफ का क्या करेगा। थॉरफिन जवाब देता है कि वह एनिमी को डिफीट करना चाहता है, तो थॉर्स उससे पूछता है कि तुम्हारा एनिमी कौन है, पर थॉरफिन जवाब नहीं दे पाता। थॉर्स तब थॉरफिन को बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताता है कि उसे हथियार नहीं चाहिए, क्योंकि दूसरे व्यक्ति को चोट पहुँचाना कभी ठीक नहीं होता। हालांकि थॉरफिन उन शब्दों पर विश्वास नहीं करता है, क्योंकि थॉर्स खुद एक वॉरियर हुआ करता था, और गुस्से में आकर वहां से भाग जाता है। कुछ समय बाद जॉन्स वाइकिंग्स उनके गांव से निकलकर फारो आइलैंड्स पर पहुंचते हैं, जहां पर फ्लोकी एक मर्सनरी बैंड के लीडर आस्केलैड के साथ मिलकर थॉर को मारने की प्लानिंग बनाते हैं। आस्केलैड एक धूर्त चालाक और कैरिस्मेटिक व्यक्ति है,
जबकि एक ग्रेट फाइटर होने के बावजूद उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका दिमाग और स्ट्रेटेजी बनाकर उसको अडैप्ट करने की एबिलिटी है। फिर आस्केलेड ट्रैप बिछाने निकल जाता है। उधर गांव की तरफ लड़के लड़ाई में जाने के लिए तैयार होते हैं। दो शिप से 5 यंग लड़के और लीफ एरिक्सन की क्रू के साथ निकलते हैं। हालांकि लीफ एरिक्सन एक लड़की को बताता है कि थोर का बच्चों को लड़ाई में ले जाने का कोई इरादा नहीं है। जब वो लोग समुंदर में पहुंचते हैं तब थोर को पता लगता है कि थोरफिन शिप में छुपा हुआ है, पर थोरफिन की खुशी देखकर थोर उसे रहने देता है। हालांकि जब वे एक संकरे रास्ते से फारो आइलैंड्स में एंटर करते हैं तभी अस्केलड और उसके आदमी घात लगाकर हमला करते हैं और थोर की शिप पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। एक फाइटर ब्योर्न एक फ्लाई एगारिक मशरूम खाता है और अपने स्किल्स को टेस्ट करने के लिए अकेले थोर से लड़ने की तैयारी करता है, लेकिन इसके बजाय थोर उनके जहाज पर कूद जाता है और उन पर हमला करता है। एस्केलेड के आदमियों को पीटते हुए आगे बढ़ता है पर वो उन्हें मारता नहीं है। उसके बाद थोर बरसरकर मोड़ वाले ब्योर्न को आसानी से हराता है और एस्केलेड को उसे और उसके साथियों को छोड़ने के लिए ड्यूल का चैलेंज करता है। एक फियर्स स्वॉर्ड फाइट शुरू होती है। एस्केलेड थोर्स पर सरप्राइज अटैक करता है और उसे घाव पहुंचाता है, पर थोर्स उस पर हमला करना शुरू कर देता है और कुछ देर फाइट करने के बाद थोर्स एस्केलेड पर हावी हो जाता है और ड्यूल जीत जाता है। उसी समय ब्योर्न जागता है और दूसरे शिप पर कूदकर थोरफिन को हॉस्टेज बना लेता है और थोर्स को स्वॉर्ड फेंकने के लिए मजबूर करता है। थोर्स ने थोरफिन और उसके विलेजर्स को बचाने के लिए सरेंडर कर दिया। उसके बाद बाणों की बौछार ने उसे मार डाला। थोरफिन जो अपने पिता की हत्या को देखता है एक बोट में बैठकर एस्केलेड को फॉलो करता है और एस्केलेड के खिलाफ रिवंज लेने की कसम खाता है। ट्रैवलिंग में लगने वाला सामान भरने के लिए एस्केलेड और उसके बंदे हम्बर नदी के पास इंग्लैंड में जाते हैं जहां वे एक गांव को लूटते हैं। समुद्र में यात्रा से बचने के बाद थोरफिन जमीन पर आता है और उस रात एस्केलेड को मारने की तैयारी करता है। हालांकि जब वो उसके पास आता है तो वो प्लान को अंजाम देने में असमर्थ होता है और थरथराते हुए हाथों के साथ वहां से निकल जाता है। अगले दिन थोरफिन एस्केलेड को एक ड्यूल के लिए चैलेंज करता है। हालांकि थोरफिन आसानी से हार जाता है। थोरफिन समझ जाता है कि वो एस्केलेड को हरा नहीं सकता और जंगल में जाकर उसे हराने की ट्रेनिंग व प्लानिंग शुरू कर देता है। जंगल में एक वुल्फ से फाइट करने के बाद थोरफिन समझ जाता है कि उसे स्वॉर्ड से ज्यादा डैगर का इस्तेमाल करना अच्छे से आता है। वो अगले दिन फिर से एस्केलेड को एक फाइट के लिए चुनौती देता है। थोरफिन इस बार अधिक जोश और ताकत के साथ एस्केलेड को चुनौती देता है क्योंकि वो अब थोड़ा स्ट्रांग हो गया है और अपनी पिछली लड़ाई से सीखा है। थोरफिन ने सिर्फ एक दिन में कितना सुधार किया है इससे एस्केलेड कुछ हद तक इम्प्रेस्ड है। हालांकि थोरफिन अभी भी एस्केलेड के लिए कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन एस्केलेड थोरफिन की नई ताकत और डिटर्मिनेशन को पहचानता है और वादा करता है कि वो उसे एक बार फिर चुनौती देगा अगर वो अगली लड़ाई में खुद को साबित कर सकेगा। बाद में एस्केलेड और उसके बंदे गेंसबोरो की ओर जाते हैं जहां उन्हें 1.5 वाइकिंग्स का एक बैंड मिलता है। थोरफिन भी उनके साथ जाता है। एस्केलेड और उसका ग्रुप लोकल डेनिश सेना से मिलते हैं और रिवॉर्ड्स और मनी के बदले उनकी सहायता करने के लिए रेडी होते हैं। हालांकि उस रात अंग्रेजों ने उन पर हमला किया। जवाबी कार्रवाई करने से पहले उनके शिविर में तीरों की बौछार की और कई लोगों को मार डाला।
थोरफिन लड़ाई में शामिल होने की कोशिश करता है, लेकिन एक अंग्रेजी स्वॉर्ड्समैन के पंजे में फंस जाता है, पर एस्कलैड उसे बचा लेता है। थोरफिन किसी तरह से खुद को बचा लेता है और पहली बार इंग्लिश सोल्जर को मारता है। थोरफिन एस्कलैड के बैंड में शामिल हो जाता है और अगले कुछ साल अपनी फाइटिंग स्किल्स को सुधरता है। वो अपनी डैगर के साथ एक रूथलेस सोल्जर बन जाता है, जो एस्कलाब के खिलाफ दोबारा मैच के लिए बहुत एक्साइटेड है। जब ईस्ट एंग्लिया में थोरफिन गंभीर रूप से घायल हो जाता है, तो एक इंग्लिश लड़की और उसकी माँ उसकी हेल्प के लिए आती है। वो दोनों थोरफिन को अपने घर में रखते हैं और उसकी देखभाल करते हैं, लेकिन बाद में वो एस्कलैड को सिग्नल देता है, जिसके जहाज किनारे पर रुके हुए थे, और उसके आदमी गांव में आके लूट मचाते हैं, जो थोरफिन को सिखाता है कि दुनिया एक क्रूवल और अनफेयर जगह है। डेनिश किंग स्वेन फोर्थबियर्ड ने विंटर सीजन में इंग्लैंड से अपने सैनिकों को वापस बुला लिया। अब जब डेनिश किंग ने इंग्लैंड पर इन्वेजन रोक दिया है, तो आज एस्कलैड और उसका बैंड नई अपॉर्चुनिटीज की खोज में फ्रांस की तरफ जाते हैं। वे नॉर्मन्नी को अपनी सर्विस देते हैं और थोरफिन को बातचीत के लिए भेजते हैं। थोरफिन नॉर्मन्नी के लीडर को बताता है कि कुछ लूट के बदले एस्कलैड उसकी मदद करेगा। उनकी प्लानिंग सक्सेसफुल होती है। एस्कलैड के लोग फोर्ट के खजाने को जब्त कर लेते हैं और थोरफिन एस्कलैड को उनके लीडर का सर लाकर देता है। एस्कलैड खुश हो जाता है और थोरफिन को बताता है कि डेनमार्क पहुंचने के बाद उससे फाइट करेगा। फिर एस्कलैड और उसके लोग मनी हंग्री फ्यूडल लॉर्ड गोन्स के गांव उनके एडवेंचर में मिली लूट के साथ वापस जाते हैं। इसके बाद थोरफिन का एस्कलैड के साथ दोबारा मैच होता है और अब वो एस्कलैड के साथ अच्छी तरह से फाइट कर सकता है, यहाँ तक कि उसे कई बार हराने की कगार पर ले जाता है। थोरफिन के लिए सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फाइनली एस्कलैड ने थोरफिन को एक रिकलेस हमला करने के लिए उकसाया। थोरफिन लापरवाही से हमला करता है और हार जाता है। एस्कलैड उसे मारता नहीं है, पर उसका हाथ तोड़ देता है। 1013 में डेनमार्क के राजा स्वैन ने डेनमार्क की सेनाओं और एस्कलैड जैसे वाइकिंग सैनिकों की मदद से नॉर्थ इंग्लैंड पर आक्रमण शुरू किया, जो गेम्बोरो के करीब पहुंचते हैं, लेकिन सिटी हैविली डिफेंडेड है। लंदन ब्रिज, जो शहर के सबसे बड़े डिफेंसेस में से एक है, इस ब्रिज की रक्षा थोरकेल द टॉल, एक भयंकर डेन द्वारा की जा रही है, जो इंग्लिश आर्मी के साथ है। डेनिश होते हुए भी थोरक्विल इंग्लैंड की तरफ से लड़ता है, क्योंकि हमेशा विनिंग साइड पर रहना उसे बोरिंग लगता है। एस्कलैड थोरफिन को बताता है कि अगर वो थोरक्विल का हेड लाकर देगा तो उसके साथ और एक ड्यूअल करेगा। थोरफिन थोरकेल पर हमला करता है, लेकिन थोरकेल बहुत एक्सपीरियंस्ड है और थोरफिन को अपनी इंजरीज के साथ पीछे हटना पड़ता है। थोरकेल और थोरफिन को फाइट एंजॉय करते हुए देखने के बाद एस्कलैड ने रिट्रीट करने का फैसला किया। थोरकेल पुल पर थोरफिन जिंदा है या मर गया यह देख रहा था, तभी थोरफिन थोरकेल की उंगलियों को काट देता है और नदी में कूदकर भाग जाता है। लड़ाई के दौरान थोरकेल को पता चलता है कि थोरफिन उसके पुराने दोस्त थोर का बेटा है और उसे चिल्लाकर बताता है कि उससे फिर से फाइट करेगा। एक इंपास पर पहुंचने पर किंग स्वैन अपने बेटे प्रिंस कैन्यूट को रागनार के साथ घेराबंदी बनाए रखने के लिए छोड़ देता है, जबकि बाकी आर्मी वेसेक्स की ओर जाती है। छोटे से प्रिंस को, जिसे बैटल का कोई अनुभव नहीं है, उसे इतनी बड़ी आर्मी का कमांडर बनाने की वजह से रागनार खुश नहीं था। दूसरी तरफ थोरफिन किनारे पर पहुंचकर एस्कलैड के आदमियों के साथ मिल जाता है और थोरक्विल से फाइट हारने की वजह से दुखी है।
थोरकेल रागनार के आदमियों को ताने मार कर परेशान करता है, पर रागनार उनको कंट्रोल में कर लेता है। पर थोरकुल को जब पता चलता है कि अब प्रिंस डेनिश आर्मी का कमांडर है, तब उन पर हमला करके रागनार और क्रिश्चियन प्रीस्ट को किडनैप कर लेता है। इसके बाद वो प्रिंस और उसके साथियों को पकड़कर लंदन छोड़ देता है और किंग स्वेन की मेन आर्मी का पीछा करता है। जैसे ही एस्क्लैड को इस बात का पता लगता है, लंदन पर फिर से हमला करना शुरू करता है और प्रिंस को थोरकुल से छुड़ाने का प्लान बनाता है। इधर रास्ते में थोरकुल के ऊपर डेनिश आर्मी अटैक करती है। मीनवाइल एस्क्लैड जंगल में आग लगाकर सभी तरफ धुआं फैलाकर कंफ्यूजन क्रिएट करता है और थोरफिन को प्रिंस को पकड़ने के लिए भेजता है। थोरकुल थोरफिन पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता और प्रिंस को ले जाने देता है। प्रिंस कैन्यूट अब एस्क्लैड के कब्जे में है, पर थोरकुल के आदमी उसका पीछा करना नहीं छोड़ते और ब्रिस्टल चैनल पर उनका आमना सामना होता है, जहां वे लोग जनरल ग्रेशनस से मिलते हैं, जो एस्क्लैड को पहले से पहचानता है। ग्रेशनस उन्हें वेल्स लेकर जाता है, पर जैसे ही वे लोग किंगडम ऑफ ब्राइकिनियग में पहुंचते हैं, पहाड़ियों से कुछ आर्चर उन्हें घेर लेते हैं। ब्राइकिनियग के योद्धा एस्क्लैड का रास्ता रोके रखते हैं, जब तक वो उन्हें बताता नहीं कि वो वेल्स एंसेस्ट्री से बिलोंग करता है और किंग आर्टोरियस का वंशज है, और जब इंग्लैंड डेन से हारेगा तो वेल की रक्षा के लिए काम करेगा। उन लोगों ने उन्हें इस वादे के साथ जाने दिया कि अगर एस्क्लैड प्रिंस कैन्यूट को सिंहासन पर बैठा सकता है तो वेल्स का भविष्य सुरक्षित है। गेंसबोर्ग में स्थित मेन डेनिश आर्मी से जुड़ने के लिए वो लोग मर्सिया के नॉर्दर्न एज से डायरेक्शन चेंज करते हैं। जैसे ही एस्क्लैड और उसके आदमी नॉर्दर्न मर्सिया को पार करते हैं, वे बर्फ में फंस जाते हैं और ठंड और भूख की वजह से परेशान हैं। वो लोग एक क्रिश्चियन गांव में पहुंचकर लूटते हैं और गांव के सभी लोगों को मार देते हैं। सिर्फ एक लेडी बचती है जो गांव के बाहर जंगल में छुपी हुई थी। थोरकेल ग्लुसेस्टर शहर पहुंचता है, उसे पता चलता है कि इंग्लिश नोबेल युद्ध से थक चुके हैं और डेनिश रूल को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। उसी समय वो लेडी वहां पर पहुंचती है और उसके गांव पर हुई अटैक के बारे में सबको बताती है। तब थोरकुल एस्क्लैड और प्रिंस कैन्यूट का पीछा करने का डिसीजन लेता है। मीनवाइल एस्क्लैड इस बात से परेशान है कि प्रिंस कैन्यूट कभी मैच्योर नहीं होगा और थ्रोन पर बैठने के लायक नहीं है, इसीलिए एस्क्लैड ब्योर्न को रागनार को मारने का आदेश देता है ताकि प्रिंस जल्दी से जल्दी मैच्योर हो। एस्क्लैड के आदमी रागनार को मार देते हैं और प्रिंस को बताते हैं कि वो इंग्लिश मुठभेड़ के दौरान मारा गया, और थोरफिन को प्रिंस को गार्ड करने की जिम्मेदारी देता है। एक इंग्लिश सैनिक को टॉर्चर करने के बाद पता चलता है कि थोरकुल उसके पीछे आ रहा है। मरने के डर से एस्क्लैड के गैंग के कुछ लोग थोरकुल के गैंग में शामिल होने के लिए जाते हैं, पर थोरकुल उन्हें पहुंचते ही मार देता है क्योंकि उसे अपनी गैंग में डरपोक लोग नहीं चाहिए। एस्क्लैड सेवर नदी तक पहुंचता है और एक छोटे से पुल को काटता है, लेकिन थोरकुल उन तक पहुंच जाता है। एस्क्लैड के आदमी उसकी लीडरशिप की एबिलिटी पर डाउट करने लगते हैं और उससे गद्दारी करते हैं। विद्रोहियों के द्वारा धमकी दिए जाने पर एस्क्लैड को उसकी माँ की याद आती है। माँ उसे अपने पूर्वज राजा आर्टोरियस के बारे में बताया करती थी, जो एवलॉन में अपने युद्ध के घावों से उबर रहा था। एवलॉन एक हुवन जैसी जगह है जहाँ से वो अपने लोगों को दुखों से बचाने के लिए लौटेगा। एस्क्लैड अब पूरी तरह से अपने आदमियों के साथ अपने एसोसिएशन को खत्म करने का इरादा रखता है। यह तय करता है कि वो अब आर्टोरियस के लौटने का वेट नहीं कर सकता है
और अपने पुराने आदमियों को डेन के अपने सीक्रेट हेट्रेड के बारे में तुरंत बताता है और उनमें से दो को मार डालता है। ब्योर्न अभी आस्केलैड का वफादार है और एक स्लेज में थॉर्फिन, कैन्यूट और प्रीस्ट को लेकर भागता है क्योंकि लगभग 10 आदमी उनका पीछा करते हैं। स्लेज का पीछा करने वाले लोग उसे गिरा देते हैं और प्रिंस को पकड़ लेते हैं, जबकि थॉर्फिन उनके घोड़ों में से एक को चुरा लेता है और वापस सवारी करता है ताकि उसके पहले कोई और आस्केलैड को मार ना दे। इस बीच आस्केलैड ने अपने कई पुराने साथियों को मार डाला, लेकिन तीरों के एक बौछार से इनकैपेसिटेटेड हो गया। तभी थोरक्विल वहां पर पहुंचता है और आस्केलैड के पुराने आदमियों को मरने का या फाइट करके मरने का ऑप्शन देता है। अचानक से थॉर्फिन वहां पर घुस जाता है और थॉर्क्विल को आस्केलैड के लिए ड्यूअल का चैलेंज करता है। इस बीच कैन्यूट अभी भी बर्फ में पड़ा है और रागनार के बारे में सपना देखता है, जो उसे एक प्राइस के बजाय एक बेटे के तरह पालने के लिए माफी मांगता है और विदाई लेता है। अपने सपने से जागने के बाद कैन्यूट को पता चलता है कि ब्योर्न उसे सुरक्षित रखने के लिए आस्केलैड के पुराने साथियों से लड़ रहा है। कैन्यूट फिर प्रीस्ट से लव और डिस्क्रिमिनेशन के बीच का अंतर जानता है और हालात को अपने हाथ में लेने का फैसला करता है। कैन्यूट बरसर्क ब्योर्न को घूरता है और उसे शांत करता है, लेकिन अटली ब्योर्न को चाकू मार देता है। अटली को हथियार डालने के लिए समझाने के बाद कैन्यूट ने प्रीस्ट को ब्योर्न की चोटों को ठीक करने का ऑर्डर दिया और एटली को आस्केलैड और थॉर्केल तक उसके पीछे आने के लिए कहा। उधर ड्यूअल में थॉर्केल ने थॉर्फिन को किक मारकर पेड़ों पर फेंक दिया, जिसकी वजह से उसका हाथ और रिब्स टूट जाते हैं, लेकिन थॉर्केल ने आस्केलैड को उसे ट्रीट करने की इजाजत दे दी। थॉर्केल तब बताता है कि वो और थॉर्स जोम्सविकिंग्स के कमांडर थे और उनका लीडर सिगवाल्डी, जो थॉर्केल का बड़ा भाई था, और सिगवाल्डी ने अपनी बेटियों में से एक हेल्गा का हाथ थॉर के हाथ में दिया। इसका मतलब है कि थॉर्केल थॉर्फिन का ग्रेट अंकल है। लड़ाई फिर से शुरू होती है और जैसे ही थॉर्केल थॉर्फिन को फिनिश करने वाला होता है, आस्केलैड ने थॉर्फिन के आंखों में एक लाइट रिफ्लेक्ट किया, जिसकी वजह से वो कुछ पलों के लिए अंधा हो गया। तभी थॉर्फिन उसके कमजोर पार्ट पर अटैक करके उसे नीचे गिराता है और उसकी एक आंख फोड़ देता है। थॉर्केल के लोग थॉर्फिन को मारने की तैयारी करते हैं, लेकिन थॉर्केल ने उन्हें रोक दिया और डिक्लेयर किया कि ड्यूअल थॉर्फिन जीत गया। कैन्यूट वहां पर आता है और थॉर्केल को बताता है कि उसे हॉस्टेज रखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि किंग स्वीन ने उसके बड़े भाई हेरोल्ड को अपने उत्तराधिकारी के रूप में पहले ही चुन लिया है और एक्सपोर्ट कर रहा है कि बैटल में कैन्यूट को मार दिया जाएगा। नई रेजोल्यूशन के साथ कैन्यूट ने घोषणा की कि वो गेंसबोरो में किंग के खिलाफ मार्च करेंगे। आस्केलैड और थॉर्केल दोनों प्रिंस के साहस से प्रभावित हुए और उनके साथ जुड़ गए। इसके बाद वो सब डेनमार्क और इंग्लैंड की थ्रोन को हासिल करने के लिए गेंसबोरो की तरफ रवाना हो गए। गेंसबोरो में कैन्यूट और उसके फॉलोअर्स फ्लोकी और डेनिश आर्मी का सामना करते हैं और वो किंग स्वीन को मिलने की मांग करता है। कैन्यूट थॉर्केल और बाकी कमांडर को शराब पीने के लिए भेज देता है और खुद आस्केलैड और थॉर्फिन को लेकर किंग से मिलने जाता है। कैसल में किंग ने उन्हें मारने के लिए एम्बुश की तैयारी करके रखी थी, पर वो उसे पहले ही भांप लेते हैं। किंग कंफर्म करता है कि वो प्रिंस कैन्यूट को मारना चाहता है और तीनों को मारने का आदेश देता है, पर आस्केलैड उसे बीच में रोककर याद दिलाता है कि प्रिंस ने थॉर्केल की फोर्स की मदद से लंदन पर जीत हासिल की। तब किंग स्वेन सभी को छोड़ देता है। उसी समय कैन्यूट को रियलाइज होता है कि कुछ समय के लिए किंग से हाथ मिलाने में ही समझदारी है और कैन्यूट एक बार फिर प्रिंस के रूप में अपनी पोजीशन लेता है।
रागनार का भाई गुन्नार कैन्यूट के पास आकर उसे सर्व करने का वचन देता है, पर आस्केलैड उस पर भरोसा नहीं करता और प्रिंस कैन्यूट को सतर्क रहने के लिए कहता है। बाद में शाम के वक्त अटली और उसका भाई पार्टी छोड़ने का फैसला करते हैं। आस्केलैड अटली को नई लाइफ शुरू करने के लिए कुछ गोल्ड देता है और दोबारा स्वॉर्ड ना पकड़ने के लिए कहता है। अटली अंत तक आस्केलैड के प्रति ईमानदार नहीं रहने के लिए माफी मांगता है, लेकिन आस्केलैड उसे माफ कर देता है और सजेस्ट करता है कि वो नई फैमिली ढूंढकर खेती शुरू करें। सन 1014 एडी राजा स्वीन के निर्देश पर कैन्यूट अपने फॉलोअर्स को यॉर्क ले जाता है, जो कि नॉर्थम्ब्रिया रीजन में एक डनिश ऑक्यूपाइड टाउन है। जैसे उनकी बोट आउस रिवर से बाहर निकलती है, एक क्रॉसबो का एरो कैन्यूट की चेस्ट में घुस जाता है। एससीन भागकर भीड़ में छुपने की कोशिश करता है, लेकिन थोरफिन उसे पकड़कर मार देता है। पर ऐसा करते हुए उसे कोई और नहीं बल्कि लीफ एरिक्सन देख लेता है, जो आइसलैंड से उसे ढूंढने के लिए इतनी दूर तक आया था। कई सालों की खोज के बाद थोरफिन को देखकर वो बहुत खुश है, पर थोरफिन का घर लौटने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि उसे आस्केलैड से बदला लेना है। जिस थोरफिन को वो जानता था वो बदल चुका है, यह देखकर लीफ काफी दुखी हो जाता है। बाद में पता लगता है कि जिसे एरो लगा था वो कैन्यूट नहीं बल्कि उसकी बॉडी डबल थी। कैन्यूट उसे हील करने का आदेश देता है, लेकिन दुर्भाग्य वो अपने घावों से मर जाती है। यह सब हो जाने के बाद आस्केलैड उन्हें बताता है कि यॉर्क में उनके अनिमीज है। बाद में यह पता चला कि एस्केलैड ने ही असैसिनेशन का आदेश दिया था, ताकि यह रूमर फैला सके कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किंग स्वेन प्रिंस कैन्यूट को मारना चाहता है। आस्केलैड ने गुन्नार को भी झूठी जानकारी दी, क्योंकि वो किंग के लिए काम करता था। इसी बीच थोरफिन, जिसका हाथ थोरक्विल के साथ फाइट के वजह से टूटा था और अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, आस्केलैड को प्रिंस और थोरक्विल के सामने ड्यूल की चुनौती देता है। इससे पहले कि वे शुरू कर सकें, ब्योन वहां पर आता है, जो कि अटली ने मारे हुए घाव की वजह से मरने के कगार पर पहुंच चुका है, और आस्केलैड को आखिरी बार उसके साथ भी ड्यूल करने के लिए कहता है, ताकि वो एक वॉरियर की तरह वलाला में जा सके। आस्केलैड उसके वाइटल पॉइंट को हिट करके उसे आसान मौत देना चाहता है, पर वो चूक जाता है, हालांकि ब्योर्न की विश पूरी हो जाती है। एस्केलैड, जिसकी आंखें किसी ऐसे व्यक्ति की हैं जिसने अभी अभी अपने बेस्ट फ्रेंड की हत्या की है, ब्योर्न को दफन करने के बाद थोरफिन को बताता है कि वे अब ड्यूल शुरू कर सकते हैं। हालांकि लड़ाई की शुरुआत में आस्केलैड सरप्राइजिंगली अपनी स्वॉर्ड फेंक देता है, थोरफिन गुस्से में आकर उस पर अटैक करना शुरू कर देता है, पर टूटे हुए हाथ के साथ थोरफिन को हराना आस्केलैड के लिए बाएं हाथ का खेल है, जिसने उसके साथ कई बार फाइट की है, जिसे उसके सारे मूव्स और वीकनेस पता है। जब आस्केलैड विनिंग ब्लो मार रहा था, तब उसे याद आता है कि कैसे उसकी अपब्रिंगिंग एक स्लेव महिला के बेटे की तरह हुई थी। उसकी माँ को उसके बाप ओलाफ ने घर से निकाल दिया था। ओलाफ आस्केलैड को तब पहचानता है जब आस्केलैड युद्ध में उसके खिलाफ अपनी माँ को प्रोटेक्ट करता है। ओलाफ एस्केलैड को फाइट में हराता है, लेकिन पहचानता है कि वो वास्तव में उसका बेटा है, और उसे उसकी बीमार माँ के साथ अपने घर में ले जाता है, जहाँ वो एस्केलैड की कॉम्बैट स्किल्स पॉलिश करता है। आस्केलैड यहाँ अपने कई भाइयों से मिलता है, जिनके साथ वो एक्चुअल टाइम एंजॉय करता है, लेकिन मौका मिलते ही अपने पिता को मार देता है, क्योंकि आस्केलैड यह कभी नहीं भूला कि शुरुआती वर्षों में उनके साथ कैसा बर्ताव किया गया था और कैसे ओलाफ अभी भी उसकी माँ की परवाह नहीं करता है
और सिर्फ उसकी ताकत के लिए एस्केलेड को भाव देता है। उसके बाद एस्केलेड विकिंस की उनके एटीट्यूड के लिए निंदा करता है, जो सिर्फ बैटल कॉन्क्वेस्ट और बदला लेने के लिए जीते हैं। फिर वो थोरफिन को डांटता है क्योंकि इतने सालों में वो कुछ भी नहीं सीखा जब एस्केलेड उसका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था। कैन्यूट तब एस्केलेड से पूछता है कि वो उसे सपोर्ट क्यों करता है, और एस्केलेड जवाब देता है कि कैन्यूट वाइकिंग्स का किंग बनने के लिए सबसे योग्य है। अपने ब्लेड में खुद को देखते हुए थोरफिन उन वर्षों को याद करता है जो उसने एस्केलेड को फॉलो करने में बिताए हैं और रोता है। यॉर्क में किंग स्वेन इंपीरियल काउंसिल को संबोधित कर रहा है, लेकिन कैन्यूट पर हुई असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद डेनिश लीडर्स में टेंशन का माहौल है। स्वेन डेनमार्क के एल्डर्स को वाइकिंग की इंग्लैंड पर हुई जीत के बारे में बताता है और कैन्यूट और थोरकेल की तारीफ करता है। वो इंग्लैंड का सबसे प्रॉस्परस पार्ट मर्सिया भी कैन्यूट की कमांड में देता है, और फिर ब्रायन बोरू द्वारा प्रिंस हेराल्ड के अपमान का बदला लेने के लिए आयरलैंड पर हमले की तैयारी की घोषणा करता है। एस्केलेड को लगता है कि कैन्यूट के लिए बनाई गई उसकी सभी स्ट्रेटेजिस काम कर गई है, लेकिन एस्केलेड तब डर जाता है जब किंग आने वाली स्प्रिंग में वेल्स पर हमला करने के अपने इरादे की घोषणा करता है। इस बीच बुरी तरह से पीटे गए थोरफिन को रास्ते में डिस्टरबेंस पैदा करने के बाद जेल में डाल दिया जाता है। थोरफिन को लीफ एरिक्सन जेल मिलने आता है और वो उसे वापस आइसलैंड और अंत में गर्म और फर्टाइल विनलैंड ले जाने का वादा करता है। उधर इंपीरियल काउंसिल में वापस फ्लोकी ने वेल्स पर हमले की घोषणा के वक्त एस्केलेड की रिएक्शन के बारे में किंग को बताया। एस्केलेड किंग को रोकने का प्लान सोच रहा है और थोरकेल को बताता है कि उसकी माँ वुल्श थी और इस बात को सीक्रेट रखने की कसम दिलाता है। बाद में एस्केलेड को किंग के सामने पेश किया जाता है, जबकि एस्केलेड को प्रिंस कैन्यूट को बचाने के लिए अपना इनाम मिलता है। हालांकि वो वेल्स को सबजुगेट करने के आदेश पर किंग स्वेन से डेरिंगली सवाल करता है। एस्केलेड ने यह कहकर अपने बयान को सही ठहराया कि वेल्स का गरीब पहाड़ी देश विजय की कीमत के लायक नहीं है, और इसके बजाय शांति की पेशकश करता है। हैरानी की बात है कि किंग स्वेन ने एस्केलेड की काउंसिल को स्वीकार कर लिया और यहाँ तक कि उसके साथ इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के लिए उसकी तारीफ भी की, लेकिन फिर उसे वेल्स या कैन्यूट के बीच किसी एक को चुनने के लिए मजबूर किया। यदि वो वेल्स को चुनता है तो उसे कैन्यूट का सिर लाकर देना होगा। स्वेन यह भी कहता है कि वेल्स सिर्फ स्लेव प्रोड्यूस करने के लिए अच्छा है, जिससे एस्केलेड को गुस्सा आ जाता है। इस बीच लीफ एरिक्सन बुरी तरह से पीटे गए थोरफिन को उसके साथ जाने के लिए लगभग मना लेता है, लेकिन अंत में थोरफिन इंपीरियल काउंसिल में और एस्केलेड के पास लौटने का फैसला करता है। इस बीच एस्केलेड किंग स्वेन की ऑफर ठुकरा देता है और खुले तौर पर किंग का अपमान करता है और उसकी निंदा करता है। उसने खुलासा किया कि उसका असली नाम लुसियस आर्टोरियस कास्टस है और ब्रिटानिया पर रूल करने के लिए लेजिटिमेट एयर होने का दावा करता है। वेल्स और कैन्यूट दोनों को बचाने के लिए एस्केलेड तीसरा रास्ता चुनता है और एक झटके में किंग स्वेन का सर धड़ से अलग कर देता है और फिर अकेले डेनिश सैनिकों के खिलाफ लड़ता है। कैन्यूट को पता चलता है कि एस्केलेड पागलपन का नाटक करते हुए उसकी रक्षा करने के लिए काम कर रहा है, इसलिए कैन्यूट थोरकेल को एस्केलेड को काबू करने के लिए कहता है, लेकिन थोरकेल प्रिंस को याद दिलाता है कि एस्केलेड उसका सबोर्डिनेट है और उसे खुद ऐसा करने के लिए कहता है। मीनवाइल एस्केलेड डेनिश सिपाहियों को मारना चालू रखता है, यहाँ तक कि वो फ्लोकी को भी हरा देता है। इसी कंफ्यूजन के बीच में थोरफिन आता है और एस्केलेड को बचाने के लिए अंदर जाने की कोशिश करता है,
एस्कलैड ने थॉरफिन को उसकी ओर आते हुए देखा, पर कंफ्यूजन में कैन्यूट उसके हार्ट को स्टैप कर देता है। अपनी जान मुट्ठी में लिए हुए एस्केलर थॉरफिन की बाहों में गिर जाता है और उसकी आखिरी सांसें फीकी पड़ जाती हैं। एस्केलर थॉरफिन से पूछता है कि वो अपनी बाकी की लाइफ कैसे बिताने वाला है और एस्केलर ने मुस्कुराते हुए कंक्लूजन निकाला कि थॉरफिन ने इसके बारे में एक बार भी सोचा नहीं है। अपनी अंतिम सांसों में एस्केलर ने थॉरफिन को उस दायरे के पार जाने के लिए कहता है जिसे थॉर्स ने देखा है, क्योंकि वो उसकी रियल बैटल होगी और फिर वो मर जाता है। अपने लाइफ की परवाह किए बिना थॉरफिन कैन्यूट पर हमला करता है और उसे एस्केलर के साथ उसका आखिरी ड्यूअल ना होने देने के लिए ब्लेम करता है, हालांकि थॉरकेल उसे रोकता है। तभी कैन्यूट वाइकिंग सेना और इंग्लैंड के शासन की कमान संभालने का दावा करता है। थॉरफिन को अलग किया जाता है और जैसे ही उसका नाइफ नीचे गिरते रहता है, उसकी पिछली जर्नी ब्लेड के रिफ्लेक्शन में चमकती है। गिरने वाला ब्लेड एक यात्रा के अंत का प्रतीक है, लेकिन यह एक नया भविष्य, नए लोगों, नए स्थानों को भी दिखाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि असली विनलैंड सागा की शुरुआत